सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो काफ़ी अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। दोस्तों, यहाँ पर रियलमी C3 डिवाइस को रियलमी UI 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर रोल्ड आउट हो चुका है। सो अगर आपको ये अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है आपके अपडेटर में, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए। मैं आपको बताऊँगा कब आपको देखने को मिलेगा एंड किस वजह से आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमें इस अपडेट के साथ कुछ नए फीचर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या इसमें जो भी बग्स हमें देखने को मिल रहे थे उनको फिक्स वगैरह क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पर हमारे डिवाइस के सेटिंग में जाने के बाद जैसे हम जाते हैं यहाँ पर अपडेटर में, तो अपडेटर में हमें देखने को मिल जाता है अपडेट, जो नया अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो C.04 का हमें एक नया अपडेट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है रियलमी C3 डिवाइस में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है फिक्स सम नोन इश्यूज एंड ऑप्टिमाइज द सिस्टम स्टेबिलिटी। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अपडेट लॉग के बारे में, तो ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी, ये हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि हमें यहाँ पर नया कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, नया ऑप्शन कोई भी यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, नया कोई भी फीचर यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या हमें जो बग्स वगैरह देखने को मिल रहे थे उनमें फिक्सेस वगैरह देखने को मिल रहे, तो लिटरली यहाँ पर कौन सा भी बग्स जो है उसमें फिक्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। और रही बात सिस्टम स्टेबिलिटी की, तो मुझे कुछ इतना फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। पहले भी इसी टाइप का हमें सिस्टम वर्क कर रहा था एंड इस टाइम भी बस उसी टाइप का हमारा सिस्टम यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो जैसे कि GCAM पहले भी वर्क नहीं कर रहा था, अभी भी GCAM वर्क नहीं कर रहा है। बस हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत स्मूथनेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे आपके डिवाइस के UI में। तो इस स्टेबल अपडेट के बाद मौजूदा ऐसा कुछ मेजर यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिला है, जो भी है सभी नॉर्मल है। तो अगर आपको ये अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है, सबसे मेन चीज़ तो जिन यूजर्स ने यहाँ पर बीटा एक्सेस लिया था रियलमी UI 2.0 का, उनको यहाँ पर अपडेट देखने को मिला है 168 MB का। एंड जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक बीटा एक्सेस नहीं लिया था, उन लोगों को ये जो अपडेट है धीरे धीरे रोल आउट होना शुरू हो जाएगा विद इन कुछ वीक्स। मगर बहुत ही जल्द यहाँ पर सभी यूजर्स को ये जो अपडेट है रोल आउट हो जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर अर्ली एक्सेस लिया था उन लोगों तो हो चुका है, एंड जिन लोगों ने नहीं लिया था उन लोगों को भी जल्द यहाँ पर ये जो अपडेट है रोल आउट हो जाएगा। तो अगर कुछ और भी अपडेट्स निकल के आता तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।